ये आ गया पेशावर वेब डेवलपमेंट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ कोड स्पेस डॉट और ये आप बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर लास्ट क्लास में मैंने आपको छोड़ा था। ठीक है, एक छोटी सी सीवी आपसे मैंने बनाने के लिए बोला था और वो मैंने आपको बनाकर भी दिखाई थी यहाँ पर। अच्छा, अब जिन लोगों ने इतनी सीवी बना ली है उनको मैं क्या सिखा रहा हूँ, इस सीवी को, इस वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कैसे करना है, होस्ट कैसे करना है, वो आपको सिखाने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से फाइल बनाई थी और इसको गिटहब डॉट कॉम पर पुश कर दिया था। ठीक है, अच्छा, गिटहब डॉट कॉम पर पुश करने के बाद अब मैंने होस्टिंग जो करनी है वो बहुत ही सिंपल स्टेप है। कैसे है वो, जाऊँगा जी मैं गिटहब डॉट कॉम पर वापस और उसी रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है जी, ये पेशावर वेब डेवलपमेंट यस्टरडे अपडेटेड। अच्छा, ये मेरे पास ये फाइल्स यहाँ पर पुश हो चुकी हैं, जो मुझे यहाँ दिख रही है वीएस कोड में वही फाइल मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब आपने यहाँ पर दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर एक, फाइल का नाम एग्जैक्टली यही होना चाहिए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्मॉल आई स्मॉल एन, ये सारा स्मॉल लेटर में, सही है। अगर आपने इसको कैपिटल किया किसी एक को भी तो ये गड़बड़ करेगा। दूसरी बात, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल आपके रूट के ऊपर होनी चाहिए, यानी जब मैं रिपोजिटरी खोलूँ ना तो सामने नज़र आए, जब मैं यहाँ पर कोड पर क्लिक करूँ, इधर कोड पर मैं क्लिक करूँ जब, तो ये मुझे सामने नज़र आए। ऐसा ना हो कि यहाँ के ऊपर कोई फोल्डर बना हुआ, उस फोल्डर के अंदर जाने से ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नज़र आती हो, ऐसा ना हो, ठीक है, रूट के ऊपर ये पड़ा हुआ हो। अच्छा, अगर इस तरह की गलती किसी ने की हुई है तो वो क्या करेगा, वो गिटहब यहाँ पर आएगा वी एस कोड के अंदर, और वी एस कोड के अंदर आके उसको मॉडिफाई करेगा। अगर किसी फोल्डर के अंदर किया हुआ है तो उसको बाहर निकालेगा, और बाहर निकालने के बाद जो पुश करने वाली तीनों कमांड है वो दोबारा से चलाएगा, यानी कि गिट ऐड डॉट और गिट कमिट और गिट पुश, तो तीनों पुश दोबारा कमांड चलाएगा, तो जैसा यहाँ पर नज़र आ रहा है ना वैसा ही यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ख्याल करते हुए अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग, ये बटन सेटिंग का है, उसके बाद आपने जाना है पेजेस में, ये पेजेस है, ठीक है जी। और पेजेस में जाने के बाद यहाँ पे एक लिखा होगा ब्रांच, ब्रांच पे आपने क्लिक करना है, ये पहले से नन है बाय डिफॉल्ट, तो आपने क्या करना है इसको मेन पे क्लिक कर देना है इसके, और सेव का बटन दबा देना है। ठीक है, अच्छा, ये गिटहब डॉट कॉम फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप यहाँ पर डिप्लॉय बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बावजूद इसके कि उसको हम प्रोफेशनल यूजर्स में नहीं लेते हैं, गिटहब पेजेस को हम प्रोफेशनली हम कोशिश करते हैं हम यूज़ ना करें। ठीक है, प्रोफेशनली हमारे पास और भी प्लेटफॉर्म है, जो इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ एक दो प्लेटफॉर्म और भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी फ्री हैं, फ्री वाले प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, हाँ, अच्छा, पैसे अगर आप पे कर दें तो फिर तो सारे एक हो जाते हैं, है ना। वंस अगर आप पैसे पे करें होस्टिंग के, तो फिर तो वो सारे फैसिलिटी हर कोई देता है। तो फ्री में जो है ना, ये जो हम अभी कर रहे हैं ये फ्री वाला होस्टिंग है, इसके अंदर कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह आपको नहीं चाहिए होता। ठीक है, अच्छा, डोमेन भी है कि ये खुद से आपको दे देता है। अच्छा, तो ये सेव का बटन दबाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टे करूँगा थोड़ी देर में, पेज को रिफ्रेश करूँगा मैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे पास मेरा यू आर एल बनकर आ जाएगा। ठीक है, अभी तक नहीं आया लेकिन 10-15 सेकंड 20 सेकंड में ये बनकर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया बनके, ये मैंने जस्ट पेज को रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिकली अपेयर हो गया ये। अच्छा, अगर जस्ट इन केस ये नहीं आता है यहाँ पे यूआरएल, तो आप क्या करेंगे, आप एक्शंस के अंदर जाकर, ये एक्शंस लिखा हुआ है टॉप पे, इसके अंदर जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे सम टाइम ना ये चेक टिक की बजाय क्रॉस लग जाता है, ये गोल गोल घूम रहा होता है, गोल गोल घूम के अगर जैसे ही टिक लगता है तो यूआरएल उधर अपेयर हो जाता है, सम टाइम यहाँ पर टिक नहीं लगता, क्रॉस लग जाता है, तो क्रॉस लगता है तो आप इसके अंदर जाकर देखेंगे कि इसने क्या एरर दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर एरर भी आ सकता है। वेल, मैं वापस जाता हूँ सेटिंग में, और सेटिंग के बाद मैं जाता हूँ पेजेस में, और पेजेस में जाने के बाद ये जो यूआरएल मुझे मिला है इसके ऊपर विजिट साइट का बटन दबाता हूँ मैं, तो एक नए टैब के अंदर मेरी वेबसाइट ये ओपन हो जाती है। ठीक है, ये कौन सी वेबसाइट है मेरी, ये वही सीवी वाली वेबसाइट है जो मैंने बनाकर गिटहब डॉट कॉम पर पुश किया था, ये वही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है। ठीक है, इसका यूआरएल देख लें आप। ठीक है, ये इस तरह का यूआरएल एक बनाकर दिया है। अच्छा, इस यूआरएल को आपने क्या करना है, अभी यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ, इस यूआरएल को राइट क्लिक करके कॉपी करना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद क्या करना है, ये वेबसाइट तो लाइव हो गई है आपकी, लेकिन इसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ कोड में आना है। ठीक है, इधर कोड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आने के बाद ये जो अबाउट का सेक्शन है ना, ये खाली पड़ा हुआ है,
इस अबाउट की सेक्शन में मैंने इसको लगाना है, इस यूआरएल को, ठीक है। कैसे लगाऊंगा मैं, ये छोटा सा सेटिंग का बटन है यहाँ, ठीक है, अबाउट के साथ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर एक ये अबाउट का सेक्शन को एडिट करने की जो है ना जगह इसने खोल दी है। यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे मैं इसको पेस्ट करूँगा और पेस्ट करके इसको मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पर सेव करने से क्या फ़ायदा हुआ? इसको यहाँ पर सेव करने से ये फ़ायदा है कि जब आपकी रिपोजिटरी पे कोई बंदा आएगा तो ना सिर्फ वो आपका कोड देख सके HTML का, बल्कि वो होस्टिंग का लिंक भी उसको नज़र आ रहा है और वो क्लिक करके इसको भी ओपन करके देख सके, ठीक है जी। यहाँ कोई भी आता है, इस पर क्लिक करेगा, ये होस्टिंग का लिंक ओपन हो जाएगा। आसान था ये, मुश्किल तो नहीं था? अच्छा, तो सारे लोग ये होस्टिंग वाला काम अभी कर लें 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, और फिर ये होस्टिंग जब कर लें तो ये वाला लिंक अपने पेज के ऊपर ना ओपन करके रखें, ठीक है। अच्छा, एक टैब में ऐसे ये ओपन करें, यहाँ पे होस्टिंग का लिंक आ रहा होना चाहिए, और एक टैब में ये ऐसे ये वाला ओपन करके रखें। तो मैं आप सबके पास आता हूँ, मैं एक एक करके आप सबका ये चेक करता हूँ, ठीक है ना।